देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर हमारा 7th है, राइट right? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या समझते हैं कि कोऑर्डिनेट की बात होती है. कोऑर्डिनेट मींस एक्स एंड वाई, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दीज आर द वाई कोऑर्डिनेट. ओके, तो ऐसी ज्योमेट्री जो कि कोऑर्डिनेट पे बनी हो, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल बना हो वो भी एक कोऑर्डिनेट पे बना हो, तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट बना है, जैसे तुम्हें पॉइंट बनाना है, यहाँ एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, तो इसको ज्वाइन करके तुम्हारा क्या हो गया, एक ज्योमेट्री बन गई. ज्योमेट्री मतलब रेक्टेंगल शेप में बन गई. ठीक है, तो जब ये रेक्टेंगल शेप में बन गई तो एक ज्योमेट्री फॉर्म हुई विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, जैसे कि ज्योमेट्री इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसी प्रकार से. कितना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दूर सॉरीश? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द विंग्स ऑफ मैथमेटिकल दैट स्टडी द पॉइंट. जैसे मैंने बताया था कि जो पॉइंट्स के बारे में स्टडी करता हो, लाइंस के बारे में स्टडी करता हो और कर्व के बारे में सरफेस पे ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि ये कर्व बनाया तो नीचे जाएंगे तो माइनस जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो पॉइंट बन गए. ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को सॉरी नहीं एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या है, जो डिस्टेंस है, नहीं सॉरी वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट को. तो इसमें जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे. तो वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में, ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस के बीच में उसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट्स. ठीक है, एक्स एक्सिस, अब एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे या अब एफसी का बोलेंगे, तो उसकी डेफिनेशन देख लो. ठीक है, उसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जो डिस्टेंस होगा, हाँ कुछ डाउट है सौरेश? ओके, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स का बोले, ओके हाँ ओके ओके. ठीक है, तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, सो दीज आर द इंट्रोडक्शन. ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस आएगा. अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमें इस पॉइंट को निकालना है, जैसे ये कोऑर्डिनेट ले लिया हमने एक्स 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे इसमें ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वाई एक्सिस. तो इसमें एक पॉइंट के बीच में दो पॉइंट है, एक 4.3 है, एक 2.1.2 है, ए और ए बी एक पॉइंट है, उसमें हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है. अच्छा, कितना कितना आंसर आया था, कितना थर्टी फोर? हाँ 34 इज द राइट आंसर. ये देखो ऐसे मेथड होगा, जिसको नोट करना नोट कर लो. ठीक है, शैल आई मूव फर्दर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोऑर्डिनेट कोई भी कोऑर्डिनेट्स,
अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स है उसके पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जैसे आर लेट करो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, जो कि लाइन को विच डिवाइड इंटरनली द स्ट्रेट लाइन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी इजिकल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई वन एंड क्यू इजिकल्स टू एक्स टू वाई टू इन द रेशियो एम कॉमा टू। अब देखो कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, एक्स जो भी है इसके बीच में पॉइंट है, वो क्या करता है कि डिवाइड करता है, जैसे एक लाइन है, ठीक है, पी और क्यू है, वो एक पॉइंट को डिवाइड करता है, जैसे पी के पॉइंट है एक्स वन वाई वन, राइट, सॉरी सारा समझने, और क्यू के पॉइंट है हमारे एक्स टू वाई टू, वो डिवाइड क्या कर रहा है आर, आर मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, ठीक है, तो वो रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एम वन और एम टू भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। हाँ रुको, देखो दो पॉइंट है पी एंड क्यू, जब अपने ऐसे पी एंड क्यू आर द टू पॉइंट, पी का क्या है एक्स वन वाई वन, क्यू का क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू, राइट, इतना क्लियर है, वो पॉइंट का मिड पॉइंट है आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई इज द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट पी आर एंड पी आर क्यू, राइट, इतना क्लियर है, कौन सी वाले देखो दूसरा हमारा आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें देख लो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्सेस, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसमें से हम लोग उठा लेते हैं ट्रायंगल, ये ले लो राइट मेन ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी कोई वर्टेक्स है, ओके, इसकी वर्टेक्स है ए बी सी, तो उसकी वर्टेक्स लिख लेते हैं, वर्टेक्स एफ एक्स वन वाई वन, ठीक है, बी की है एक्स टू वाई टू एंड सी की है एक्स थ्री वाई थ्री इज गिवन बाय। अब इसका देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, वन अपॉन टू एक्स वन वाई वन y2 x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 x1 y3, ठीक है, अब इतना क्लियर है, जोर तुम्हें क्लियर है, हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो तो ठीक है, और इसको अदर फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं,
हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री, ठीक है? जब इसको खोलोगे तब ये आ जाएगा एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेम्बर। याद हो जाएगा? नहीं याद करना बताओ, याद नहीं करना तो बताओ, कुछ बताओ टेग्राम। याद हो जाएगा पक्का? मगर याद तो कर लोगे अभी, बट आगे जाके अगर बोर्ड में भूल गए तो उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है? तो उसके लिए एक ट्रिक है इस फॉर्मूले को, टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। पहले ट्रिक देख लो, इस फॉर्मूले को रिमेम्बर करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक इस तरफ से है, पहले 1 बाई टू आप ऐसे लिख लीजिए और इसमें सिर्फ ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर लिख लो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर उसके बाद क्या आएगा एक्स वन, ऐसे लिख लिया सोरेश। अब देखो इसको भी ऐसे लिख लो वाई वन वाई टू, ऐसे चलता जाएगा, सीरीज चलता जाएगा, ट्रिक बता रहा हूँ। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन, ठीक है? ये ट्रिक है जो फॉर्मूला याद करने के लिए, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई वन, ठीक है? इतना क्लियर है? पहले ये बताओ। अब देखो, अब इसको क्या करो, इसमें रामबाण लगा दो। रामबाण क्या, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, क्या हुआ, एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन, ठीक है? माइनस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस रखते हैं ना, तुमने बैक किया था कुछ, ठीक है? ये माइनस आएगा साइन, ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब ऐसी सेम इसको एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री प्लस, ऐसी इसमें डाउनवर्ड से जाएंगे वाई थ्री, ठीक है? एक्स वन माइनस एक्स थ्री वाई वन। क्लियर है ये? बताओ। तो वही फॉर्मूला ऊपर वाला है, जब तुम बारीक से देखोगे तब तुम्हें हिस्ट्री पता पड़ जाएगी उसकी फॉर्मूले की, ठीक है? मिला लो भैया, झूठ बोल रहा हूँ, कहीं विश्वास नहीं है तो मिला लो भैया, जोर से बोलेगा बेवकूफ बना दिए सबने, ठीक है? देखो एक्स वन वाई टू एक्स वन वाई टू वाई टू एक्स टू वाई वन एक्स टू वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री, ठीक है? तो ये सारे मैच हो गए, ठीक है? तो दीज आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ठीक है? क्लियर है? सर एक डाउट था। क्या बोल रहे हो? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। और के बाद जो वो कैसे आया? वो इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आया, ठीक है? ये सिंप्लीफिकेशन करोगे ना इसको, फिर ये इकट्ठे देखो, जैसे एक्स वन एक्स वन है, एक्स वन को देखो, एक्स वन कहाँ है, एक्स वन कहाँ है, एक्स वन ये रहा, ठीक है? दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम भाई ये तो चलता जाएगा, ठीक है? नोट करना है, लो नोट कर लो। तो ये नोट कर लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? अब सेंट्रोइड की डेफिनेशन देखो, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट में द कोऑर्डिनेट
goes vertex r x1 minus comma x1 x2 y2 and x3 comma y3 are given by, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. So note it down this formula quickly. ये इसका फॉर्म क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड वो होता है जिसका सेंटर ऑफ द वो हो, एक मिनट, ठीक है ठीक है. तो जैसे एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल राइट, सॉरी समय ना, इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. ओके अंडरस्टूड. तो इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी. नेक्स्ट वी विल मूव टू कोलिनियर. We'll move to collinear. Okay. यही देख लेते collinear को, छोटा सा पार्ट है. Condition of collinearity of 3 points. ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ठीक है 3 points लेते हैं, 3 points x1, y1, comma x2, y2 and c, x3, y3 will be collinear if and only, समझो मैं क्यों लिख रहा हूँ, if and only if the area of triangle ABCD is zero. मतलब ये दो तीनों पॉइंट कोलिनियर जब होंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्या होगा, जीरो होगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, ये ट्रायंगल का निशान है x1 y1 x2 plus x3 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 x1 y3. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो. ओके देन x1 y2 y1 x2 plus x3 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 y1 x3 x x1 x3 equals to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाती है कोलिनियर की कंडीशन.
क्लियर हो रहा है सौरेश? सौरेश ध्रुव, ध्रुव क्लियर हो रहा है ना? तो और डिटरमिनेशन करो, कोलिनियर क्या होती है? जैसे ये लाइन है, तो कोलिनियर को जब कोलिनियर बोलेंगे, जब हमारा एक पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई तीन पॉइंट है, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन में बोल देता है डिटरमाइन ए द पॉइंट 1.5 2.3 एंड -1, -11